ठंडी बियर निकालो जल्दी से। अबे महा ठंडी चाहिए, छू के देखे जम जाएंगे आप। हाँ ज्यादा फैंटम ना बनो, लाओ काट दो। हाँ Bro, woo, your cart. इतनी लाने के लिए किसने बोला? अबे तुम्हारे लिए थोड़ी ना है, हमारे लिए। तो अपने पैसे की लाए करो ना। यार अगला थर्ड एसी का टिकट छोड़ करके स्लीपर में आया है और तुम यहाँ हमको पैसा गिना रहे हो। हम बुलाए थे, बोले थे आने के लिए। मैं लगा हमारे भाई को हमारी जरूरत है इसीलिए हम आ गए। और भूल कह जाते हो बे, वी आर नॉट दोस्त, वी आर ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। इतनी मक्कारी कहां से सीखे हो? इन्फ्लुएंस ब्रो, इन्फ्लुएंस। राइट नाउ आई एम लिविंग इन साउथ दिल्ली। गुड़गांव, गांव में रहते हो तुम? यार तुम्हारे अंदर ना किसी चीज का उत्साह नहीं है, समझे? अब स्टार्ट करो, चलो। अबे बियर को भी पसीना आने लगा यार, चलो ना। अरे चलो भैया चलो। कोई दिक्कत है अनु? नहीं दीदी। यार हम आए हैं और तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी खुशी नहीं दिख रही। अरे हम बहुत खुश है। तो दिख क्यों नहीं रही? अरे ध्यान से देखो दीदी, दिख जाएगा यार। हाँ देख रहे हैं, घर पे भी मुंह फुलाई हुई थी। अरे हम नहीं मुंह फुलाए थे। अभी भी फुलाई हो? कहाँ मुंह फुलाए दीदी, तो काहे नहीं सही से बात कर रही हो? दीदी आपके सवालों का कोटा ना आज खत्म, चलो गोलगप्पे खा ले। अनु तू भी ना। अरे चलो यार। दीजिए दादा। हाँ मैं पूछा कहूँ, नीचे नहीं हो रही है। हो क्या गया है तुमको? कुछ नहीं बाबू, हमको चिंता हो रही है तुम्हारी। हमको नहीं बताओगे भैया? रुक, कुछ नहीं हुआ है। अनु हम ना तुम्हें एक जड़ देंगे कस के। अब कब से प्यार से पूछ रहे हैं, तुमसे बताया नहीं जा रहा है, क्या बात है बेटा? अब मनोहर जी से शादी नहीं करेंगे। क्या पगला गई हो क्या, कुछ भी बोले जा रही हो? हम सही कह रहे हैं। क्यों, क्या दिक्कत है उस लड़के में? अच्छा खासा लड़का है, घर परिवार अच्छा है, अच्छा कमाता है, तुम्हारी हर बात मानता है और सबसे बड़ी बात कि तुमसे प्यार करता है। प्यार करती है ना दीदी, तो शादी पे पुनर्विचार करने को नहीं कहते। पुनः विचार? क्या अबे तुम बोल दिए, कतई शुद्ध चूतियम सल्फेट हो तुम। अबे तुम सीधा भाभी को मना कर दिए। मना थोड़ी ना किया है, फिर पुनः विचार के लिए बोला है बस। अबे दिमाग पे पलस्तर चढ़ा है क्या तुम्हारे, हैं? अबे ऐसा बोलने पे ना लड़कियां लौंडों के लिए पुनः विचार करना शुरू कर देती हैं। क्या बात कर रहे हो? और नहीं तो क्या यार, कितनी तो अच्छी है हमारी भाभी यार। तुमको कैसे पता है? क्यों अच्छी? स्वयं को देखो मनोहर, और उनको देखो। अबे तुमको पसंद की है तो अच्छी तो होंगी ना। बस ये जो बोले हो ना तुम, इसी वजह से उनसे बोला है, और कोई बात नहीं। यार कलयुग में इतना त्याग एक्सेप्टेबल नहीं है मेरे भाई। इधर देखो भाई, जीवन में ना जब हमें कोई अच्छी चीज मिलती है तो हम उसे बहुत प्यार से, बहुत संभाल के, बहुत संजो के रखना होता है मेरे भाई, समझ रहे हो? और तुम सरोवा फैंटम बनायो। अरे यार पक, अरे यार ऐसा मुना बनाओ हमारे सामने, अरे साले पत्थर फेंक के मारे तुम्हारे मुंह पर। अनु एक बात पूछूं?
कोई दिक्कत हुई थी तुम दोनों के बीच या तुम ही उससे कुछ कही थी? दीदी आप भी हम ही को दोष दे रही हैं। हमने तो उल्टा उनको फोन किया था ये बताने के लिए कि हमने डेट के लिए नई जगह ढूंढी है और उल्टा उन्होंने हमको ये सब कह दिया। अरे हमारा कहने का मतलब ये नहीं था, हम ये कह रहे हैं कि तुम कह रहे थे ना उस दिन पापा के साथ बैठ के पी रहे थे, शायद नशे में कुछ बोल दिए होंगे। दीदी 3 दिन हो गए अभी तक नशा नहीं उतरा क्या उनका? कॉल तो रहने ही दीजिए, एक एक मैसेज तक नहीं किए वो हमको। अरे तो तुम कर लेती। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे भीतर ये जानने की बिल्कुल इच्छा नहीं है कि उसने ऐसा क्यों बोला? दीदी उनकी गलती है, वो करे हमको कॉल, हम नहीं कर रहे। मनु तुम फोन उठाओ और भाभी जी को तत्काल प्रभाव से फोन करो। तो फैसला कर लेंगे तो करेंगे ना कॉल। अबे तब तो आ चुका फोन, तुम मुंगरी लाल के सपने देखो बस। हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे कॉल तो करेंगे ना। यार मनु हम तो तुम्हारा ना बहुत जोर से फिकर हो रहा है यार। अरे बहुत भोले हो तुम यार। ब्रो लिसन, यू नो गर्ल्स हैव सो मेनी ऑप्शंस बट यू नो हु वी आर? हु? वी आर बेगर्स एंड बेगर्स कांट बी चूजर्स ब्रो। हमको तो लग रहा है ना भाभी दूसरे ऑप्शन के बारे में सोचने भी लगी होंगी। हाँ पक्का है। नहीं अनुजी ऐसी नहीं है यार, अनुजी अलग हैं, वो बहुत समझदार हैं, हम जानते हैं उन्हें। कुछ नहीं जानते तुम। अबे हम जानते हैं लड़कियों को, हम जानते हैं लड़कियों को अच्छे से। अबे छोड़ देंगे तुमको, हम बता रहे हैं, समझ रहे हो? तुम ऐसा करो तुम फोन उठाओ। मनु उठाओ ना फोन यार। नहीं मैं उठाओ और व्हाट्सएप पे टाइप करो माय डियर भाभी जी। अरे नहीं यार भाभी जी तो हमारी हुई ना। हाँ माय डियर अनु जी विद रिस्पेक्ट गॉट माय डियर अनु जी जी हम हैं क्षमा प्रार्थी और हमसे हो गई है बहुत बड़ी भूल। आई एम रियली वेरी सॉरी। सेंड टू भाभी जी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार। रियलाइजेशन गॉट गॉट। लेकिन हम ना कॉल करेंगे ना मैसेज, ये निर्णय ना हमने उनकी भलाई के लिए लिया। भाग साले मार के जूता तुम्हारा मुंह लाल कर देंगे हम। साले भलाई की बत्ती बना लो तुम। अरे नहीं चाहिए हमें किसी की भलाई दीदी, नहीं चाहिए। हम अपनी भलाई के बारे में ना कुछ सोच सकते हैं। पहले मम्मी पापा ने हमारी भलाई के लिए हमें लड़के से मिलवाया और जब वो लड़का हमें पसंद आ गया तो वो लड़का हमें हमारी भलाई के लिए कह रहा है कि शादी के फैसले पर पुनः विचार करिए। वाह तो क्या करेगी, छोड़ देगी? हाँ छोड़ देंगे दीदी। पगला गई है क्या, इतनी छोटी सी बात पे कोई इतना बड़ा फैसला ले लेता है? छोटी सी बात दीदी, पहली बात तो ये कि ये कोई छोटी बात नहीं है और दूसरी बात ये कि हमें पता है मनोहर जी को अपनी गलती का एहसास तक नहीं होगा। तू जब तक बात नहीं करेगी कैसे पता चलेगा? तो करे ना बात, हमने मना किया है, फोन करे हमें, कम से कम सॉरी कहे। मतलब तू कॉल नहीं करेगी? हम बात नहीं करेंगे, हमने कह दिया है बस, बात खत्म। ठीक है आइसक्रीम खाते हैं फिर। दीदी दिल टूटा है हमारा, चलिए खा लेते हैं। ए पुर्रा, पुर्रा। अरे मनु यार एक बात बोलनी थी तुमसे। नहीं इधर देखो पहले इधर। एक सेकेंड। कम टू मी। यस स्ट्रेट। यार तू यार सही कहता था। तू ना तू दोस्त मई है तू भाई है भाई। तू मेरे लिए मतलब इतनी दूर से आया? नहीं
नहीं नहीं नहीं नहीं चुप 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 यार, तू स्लीपर में बैठ के इतनी दूर से मेरे लिए आया है? नहीं बे, तुम्हारे लिए थोड़े ना आए हैं। अरे तुम्हारे लिए भाभी देखने आए हैं हम। बक तो खुद टिकट करा के आया कर यार, मेरा करवाया। अरे अबे तुम रेलवे में हो ना, तो उसका कुछ तो एडवांटेज मिलना चाहिए ना हमको भाई। हाँ यार, तू इधर आ, तू एक बात बता, ये इतना पैसा इकट्ठा किया तूने, वो कहाँ लेके जाएगा? सेविंग फॉर फ्यूचर ब्रो। फ्यूचर? यस। किसके लिए? फॉर अस। फॉर अस? अबे सुनो तो, देख मनु, भाभी तुझे छोड़ के वैसे भी जाने वाली है। मूड ना खराब किया। अबे सुनो तो भाई, तुम और मैं दोनों एक साथ साउथ दिल्ली में रहेंगे, और भाई साउथ दिल्ली में दोनों भाई आग लगा देंगे। गुड़गांव, गांव में रहते हो तुम? अबे यार एक बात कहे मनु, हमको क्या लगता है पता है, सरकारी नौकरी करते करते तुम्हारे अंदर का जो उत्साह है ना, वो खत्म हो गया है भाई। लेकिन कोई बात नहीं, तुम दिल्ली आओ भाई, दोनों भाई। जीजू का मैसेज है। क्या बोल रहे हैं? कहाँ हो आवारो? खुद में खुद से वाकिफ हो जाओ, खाली है ना जाने क्यों खब मेरे, ढूंढ लूं मैं वो जगह जहाँ खुशियाँ मिल जाए। मौसम बदले चाहे बदले ये जगह, क्यों ये यादें सारी बांधे मुझे रखती। अंकल जी प्रणाम। आई लिए भी ले आते। अरे अभी ले आते ना अंकल, क्या बात कर रहे हैं? अब क्या लेके आना है? अरे अंकल कुछ दवाई मंगा रहे थे ना, हम सोच रहे ले आते अभी। हमने कुछ नहीं मंगाया। बैठो चुपचाप। क्या मम्मी यार, फिर पनीर? तुझे नहीं खाना ना, मत खा, रख ढक्कन। अबे हमारे लिए बना है बे पनीर। अरे हमने आंटी को फोन करके बोल दिया था कि हम आ रहे हैं, हमारे लिए पनीर बना के रखना। क्यों आंटी? फटा हुआ दूध है। अबे चुप करो यार तुम भी, जो भी है हमको बहुत पसंद है। ले अंकल। आंटी क्या तो खुशबू है, वाह क्या बात है आंटी। अरे इतनी शिद्दत से ना ताजमहल भी नहीं बना होगा जितनी शिद्दत से आपने पनीर बनाया है, वाह। आपके हाथ काटने की बात कर रही हैं। अच्छा हाँ, तुम्हारी अनुबिटिया से कुछ बात हुई? अनुबिटिया के मामा जी का फोन आया था, कल दोपहर में खाने को बुलाया है।
क्यों? क्यों क्या? वो रश्मि बिटिया आई है ना, और उसके होने वाला हस्बैंड भी आया हुआ है, तो इसी बहाने मुलाकात हो जाएगी। किसको किसको बुलाया है? किसको किसको से मतलब? अरे सबको बुलाया है। वो एक्चुअली ना, वो कल थोड़ा काम है तो हम नहीं आ पाएंगे। बड़खड़दार, संडे में कौन सा काम होता है बताइए। एक ट्रेन है, उसका इंजन खराब हो गया। चुप। अब तुमको मौका मिल रहा है, तुम अभी नखरे दिखा रहे हो। तुमको नहीं जाना है। चुप, एकदम चुप। अंकल, हम तो चल रहे हैं, उसको भी साथ में लाद लेंगे। अरे हम सब लोग जाएंगे भाई। अरे आखिरकार हमारी भाभी भी तो हमसे मिले। क्यों आंटी? सब चलेंगे तो और बढ़िया। बिल्कुल। अचार खाओ। आइए भाई साहब, आइए आइए। अरे बहन, नमस्कार नमस्कार। आइए आइए। और सब ठीक? आने में कोई दिक्कत तो नहीं? अरे माँ जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। हाँ, तुम हो कौन? अरे एक मिनट अंकल, हम अपना परिचय स्वयं देंगे। देओ। हम हैं पुरुषोत्तम शुक्ला, मनोहर के बचपन के दोस्त। अच्छा अच्छा। कल ही पहुंचे तो पता चला कि आप लोग लंच पे बुलाए, तो हम भी साथ में लटक लिए। बहुत बढ़िया। आशा करते हैं आपने एक आदमी का एक्स्ट्रा खाना जरूर बनवाया होगा। एक मिनट, क्यों जी, एक्स्ट्रा खाना बनवाया है या फिर टॉमी भूखा रहेगा? अरे क्यों नहीं, बिल्कुल बना है भाई। आप भी तो मजाक करने की आदत नहीं चाहते। बना है भाई, बना है। बात कर रहे हैं मामा जी, आप भी ना। मामी जी। बेटा एक मिनट सुनो जी, कहाँ लगवाए हो? क्या? स्प्रिंग। मामा जी आप भी ना। अरे आपके पैर छूने तो हमारे भी छुओ। अरे दीदी आपके कैसे नहीं छुएंगे, चरण स्पर्श। इनके भी छुओ, जीजू है होने वाले। अरे जी जाजी। अरे रे रे यार, नोट। अरे आप तो हमको अपनी शर्म ले लो, बस जीवन सुधर जाए हमारा। हमारी आपकी बहुत जमेगी। आओ। अरे हम बोल रहे हैं ना, बहुत अच्छा लगेगा आपको हमसे मिलके। जी जाजी। मुझे क्या पता। क्या बात है। क्या बात है। एक मिनट। ओह बिजी है, दीदी से मिलके आते। दीदी यही खड़े खड़े क्या बातें कर रहे हैं सब लोग। चलिए आइए, अंदर आइए, अंदर आइए सब। आइए आइए मामा जी, आइए 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 मामा जी। बेटे मेरा घर है। अरे मामा जी, आइए आइए सब लोग, आइए आइए। ये सारा खाना बेटियों ने ही बनाया है। बेटी होने से इतना आराम तो हो ही जाता है। हाँ, लेकिन हम सारा खाना बेटियों से नहीं बनवाते हैं। अब रश्मि बेटी है, 5 साल से पुणे में रह रही है, और अनु बेटी ही हमारे पास से है। अच्छा। नौकरी भी करती है और भी कंपटीशन की तैयारी भी करती है। क्या बात। और हमको तरह तरह के खाने भी बना के खिला देती है। देखिएगा, आपके घर में जाएगी तो आपको भी कुछ करने नहीं देगी। अरे नहीं, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस दोनों बच्चे खुश रहें, खुशहाल जिंदगी बिताएं। और क्या चाहिए माँ बाप को? हाँ सही कह रहे हो आप। अरे कितना पूड़ी बनाएंगे आप लोग? भाई साहब मैं क्या कह रहा था कि जब तक खाना बन रहा है क्यों ना एक एक पटियाला हो जाए, क्या कहते हैं आप? दिन में ही? भाई साहब देखिए, दारू के साथ ये भेदभाव मुझे पसंद नहीं है। हाँ, दिनों या रात माहौल तो बनता है ना एकदम। हाँ वो तो ठीक है, पर वो क्या है ना, मैं अपनी वाइफ के सामने जा अवॉइड करता हूँ। अच्छा अच्छा, डरते हैं आप? डरते नहीं हैं, बस इज्जत करते हैं उनके फैसले की। बस बस बस, बस इसी को डरना कहते हैं दरअसल। कितना डरते हैं भाई। टिंग डोंग, यात्रीगण कृपया ध्यान दे, पूड़ियां आ चुकी हैं। शाबाश बेटा, ये लीजिए ये लीजिए। पक्का? अरे जीजा जी को तो दो दूंगा मैं, एक दो तो बना लीजिए। अरे आप कहाँ चल दी? नहीं वो बैठे बैठे जरा कमर अकड़ गई थी तो सोचा स्ट्रेचिंग कर लूं थोड़ा। बैठिए। बच्चों ने अभी तक खाना भी नहीं खाया। आप ही का इंतजार कर रहे थे। बैठिए। हम कह रहे थे हम और अनु बना देते पूड़ी फटाफट से।
खाओ खाओ। अरे ये लीजिए। तुम बैठो, सब ले लेंगे खुद से। अरे आप लोग बैठिए, आज हम परोसेंगे सबको। अब देखिए ना, सबकी शादी तय हो चुकी है, हमारे पुरु की भी हो जाती। बहुत दिनों से लड़की ढूंढ रहा है। आंटी का लड़की ही देखने जा रहे हैं, बस अब आशीर्वाद दे दीजिए। तथास्तु। अरे हमारे देश में रेशो भी तो कम है लड़कियों का लड़कों से, इस हिसाब से सबको थोड़ी ना मिल पाएगी। जी जा जी, हाँ नहीं रहे, बहुत देर से हम देख रहे हैं। दीजिए दीजिए। अरे अनु बेटा, मनोहर को खीर दो। अनु बता रही थी कि मनोहर को खीर बहुत पसंद है। जी स्पेशली इसी के लिए तो बनाई है इसने। बस बस। भाई साहब, मैं क्या कह रहा था कि रघु और रश्मि की सगाई होने वाली है, क्यों ना लगे हाथों अन्नू के माता पिता को बुलवा करके इसकी भी सगाई करवा देते हैं। भाई बच्चे लोग डिसाइड कर लें, हम तो तैयार ही हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निपटें। बिल्कुल सही। साले सूट सिलवा के इस बार तू हमारा समझे। बधाई हो भाभी जी। भाभी जी चलिए ना, थोड़ी देर बात करनी है। चलिए ना प्लीज। उतरी। क्या हुआ भाई? अरे कुछ नहीं, एक जादू याद आ गया था। मामा जादू? हाँ। और दिखाओ। अरे नहीं नहीं क्या बात कर रहे हैं आप, जी अडल्ट है समझा करिए। मामा जी हम जरा भाभी जी को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाएं, कुछ बात करनी है। हाँ हाँ ठीक है, जाओ बेटा जाओ, साथ में जाओ। आइए। आजकल के भी बच्चे ना, हर बात में इनको प्राइवेसी चाहिए। काश ऐसी किस्मत हमारी होती तो आज तस्वीर कुछ और होती भाई साहब। है अच्छा? नहीं मजाक था ये तो। पुरु, पुरु, रहने देते ना, क्या बात करनी है। भाभी जी जैसा आप सोच रहे ऐसा कुछ है नहीं, एक बार आप बात करके क्लियर कर लीजिए प्लीज। आइए आइए। बाद में बात कर लेंगे ना, रहने देते। भाभी जी अभी बात करके क्लियर कर लीजिए, बाद में प्रॉब्लम हो सकती है प्लीज मेरे कहने पर। मैं प्लीज भाभी जी प्लीज। ओके नेक्स्ट। आइए आइए। मनु आपको पता है भाभी, अगर आप हमसे पहले मिल गई होती ना तो आज आप इसकी भाभी होती। ऐसे क्या देख रहे हो बे, कुछ गलत कह रहे हैं क्या? ओह शिट, अरे यार एक इंपॉर्टेंट कॉल आई थी, मैं कॉल बैक करके आता हूँ, तब तक आप लोग निपटा लीजिए ठीक है। कैसी हैं? हम ठीक हैं, आप कैसे? हम भी आप ही की तरह ठीक। हाँ हाँ खीर बहुत अच्छी बनी। खीर बहुत टेस्टी थी, मतलब थैंक यू। आपने स्पेशली हमारे लिए बनाई थी? नहीं सबके लिए बनाई थी। मामी जी कह रही थी कि स्पेशली हमारे लिए बनाई है आपने। मामी जी तो कुछ भी बोलती है, अब हर बात थोड़ी ना मानी जाती है। आप खफा हैं क्या हमसे? नहीं मतलब बताइए। पुरु कह रहा था कि आपको हमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए आप, मुझे आपकी आवाज आ रही है। यस यस। हाँ वो क्या वो आपने हमने क्या कॉल पे क्या मनोहर जी क्या कहना चाहते हैं आप? बोलिए। आपने पुनः विचार कर लिया? अब हाँ कर लिया।
तो क्या फैसला किया आपने? हमने सोचा है कि अब हम शादी ही नहीं करना चाहते, बस।